सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद है ना? पर ऐसा हमेशा तो नहीं होता, लेकिन इस बार उम्मीद करता हूं जब तुम लोगों को यह सुनाओ तो माहौल खुशी का हो, बिछड़े हुए अपनों से फिर मिल जाए और हमारी दुनिया जितनी नॉर्मल जितनी आम हुआ करती थी एक बार फिर से वैसी ही हो जाए, अगर वो वैसी कभी थी तो। उफ, ये दुनिया और ये ब्रह्मांड, अगर 10 साल पहले तुम ये कहती ना कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं है तो मुझे ताज्जुब तो नहीं होता, लेकिन फिर किसने सोचा था कि ये सब देखना नसीब होगा। अच्छी बुरी जैसी भी है, हमारी ये कहानी अब हमारे बच्चों की विरासत है और हमारी मॉर्गन को इसी में जीना सीखना होगा। इसलिए सोचा एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड कर लूं ताकि वक्त से पहले अगर गुड बाय हो जाए मेरी जैसी हस्ती का, तो वैसे मरने का कोई सही वक्त थोड़ी होता है। ये जो हम कल टाइम डकैती करने जा रहे हैं उसके बारे में सोच में पड़ गया हूं कि पता नहीं हम कभी वापस आएंगे भी या नहीं, लेकिन हीरोगिरी में खतरा तो होगा ही ना, हर कहानी का एंड तो होना ही। पर शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा जैसा होना चाहिए। आई लव यू 3000।